जी, तो हमारा जो दूसरे क्वेश्चन है वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 28 to 32, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है। हमारे पास 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी हुई हैं और हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। ये इंतहाई अहम है इस हवाले से कि यहाँ से आपको फुली जज किया जाता है, असेस किया जाता है कि आपको सेक्शन तो 5 दिए गए होते हैं और आपको असेस किया जाता है कि आप हाउ टू फाइंड आउट द ट्रू आंसर्स, ट्रू लिस्ट, ट्रू हेडिंग फ्रॉम दिस लिस्ट, बिकॉज द लिस्ट आर मोर comparing to these given sections. Okay, let's start. First of all, its action plan must be to read out the paragraph first and then find out the answers, and we are going to read out section A. So we'll directly go to the section A and find out its answers or the list of heading. This is your paragraph A. We are going to read it. Okay, first of all, see, language always changes. Try to underline the things which are important, you think, or the keywords. This is one of the few constant about it. ये इस चीज के बारे में मुस्तकिल है ज़बान के बारे में कि ये बदलती रहती है, but it's arguably changing. ये चेंजिंग होती है एट फास्टर रेट, बहुत ज्यादा तेज, नाउ देन एट एनी प्रीवियस मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री, अपनी तारीख की निस्बत अब ज्यादा चेंज होती है. एंड इमोजी इज द सेट ऑफ पिक्चर्स करेक्टर्स दैट पीपल यूज टू पंक्चुएट देयर ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस. और ये इमोजीज भी हैं, सेट जो हैं वो भी कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. आर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस फ्रेंजी ऑफ चेंज, वो भी इस तब्दीली में लोगों के जुनून के बायस पहले नंबर पे हैं, फोर फ्रंट पे हैं. एज आ, ये हमने सारा का सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी. ये आप देख सकते हैं सारे के सारे को हमने इसको गो थ्रू हमने किया हुआ है, ठीक है. एज अ फॉर्म ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन इमोजीज ओनली बिगेन देयर ग्रोथ इन 1911, 4 years लेटर, 4 साल पहले बाद में. इट वॉज एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया गया, दे वर बींग यूज बाय ओवर 90% ऑफ द ऑनलाइन पॉपुलेशन, तकरीबन 90% जो पॉपुलेशन है इसको इस्तेमाल करती है. और यह हमने पहले पढ़ा, इन एक्सेस ऑफ 6 billion वर बींग सेंट एवरी डे. ये 6 billion जो हैं वो रोजाना की बुनियादों पर एक दूसरे को भेजे जाते हैं. देयर प्रेवलेंस इन द कल्चर, वो सच, इसकी ये जो प्रेवलेंस है, इसकी ये जो इंपॉर्टेंस है वो ऐसी है कि जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है उसने रिसेंटली चोज एक चुना है वन एज देयर वर्ड ऑफ द ईयर, एक वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर, ठीक है जी. वर्ड ऑफ द ईयर्स आर दोज जज टू रिफ्लेक्टिव ऑफ द इथोस, जो कि लोगों के इथोस को रिप्रेजेंट करता है, उनके मूड को, उनकी टेंडेंसी को, ठीक है जी, उनकी पेंसिवनेस को, सोच को, ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उस साल को. दे आर वेरी मच ऑफ देयर टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये अपने वक्त के ही होते हैं और फिर उसके बाद लोगों के जहन से गायब हो जाते हैं. तो हम देखते हैं जी कि यहाँ पे कौन सा है, ठीक है जी. वाई इमोजीज मे हैव अ शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे नहीं लिखा कि क्यों नहीं है, क्यों है शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे कोई रीजन तो नहीं दी. हमने देखा है वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइंड और मेड अवेलेबल, न्यू डिजाइन का हमने पहले पढ़ा था कहीं और पे, तो उस पे हम बाद में जाएंगे. हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज बोथ फुलफिल नीड्स, कहीं पे भी ये नहीं है कि वर्ड्स और इमोजीज दोनों सोसाइटी की जो है वो जरूरियात को पूरा करते हैं. हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज बाई डिफरेंट कल्चर्स, का भी जिक्र नहीं है डिफरेंट कल्चर्स का. द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स, कहीं पे भी डिफरेंट फील्ड का जिक्र नहीं है. द रैपिड स्प्रेड ऑफ अ न्यू ऑफ इंटरेक्शन, ये भी ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें ये हम इसको, ठीक है जी, कि द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट ये नहीं है. द रैपिड स्प्रेड ऑफ अ न्यू वे ऑफ, ये इसको हम थोड़ा सा होल्ड भी कर रहे हैं. रैपिड सिस्टम ऑफ न्यू वे, बहुत ज्यादा तेज फैलाव है जो कम्युनिकेशन का नया तरीका है उसका. तो ये कहाँ पे आया है, अगर हम इसको देखें कि एक कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का नया तरीका है और रैपिड स्प्रेड है, तेजी से फैला है, तो वो देखें आप यहाँ पे. तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखें. यस, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट दे वर बींग यूज बाई ओवर 90% ऑफ द न्यू पॉपुलेशन, आप देखें, और फिर इन एक्सेस ऑफ 6 billion पीपल जो हैं वो एवरी डे इसको यूज करते हैं. देयर प्रेवलेंस इन द कल्चर, ये यहाँ पे अगर आप देखें ये सारे का सारा, तो एस्टिमेट लगाया गया कि 90% से ज्यादा लोग इसको इस पॉपुलेशन इस्तेमाल करते हैं और 6 billion से ज्यादा डेली यूज करते हैं. तो ये भी है द रैपिड स्प्रेड ऑफ
ऑफ न्यू वे ऑफ इंट्रैक्शन, तो आप देख सकते हैं कि यही है कि ये इतनी ज्यादा रैपिड स्प्रेड हुई है कि लोग कितनी ज्यादा तादाद में इसको भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास सिक्स है, तो यहां पे हम सिक्स लिखेंगे, ठीक है जी। आप इसको आपका हो गया, तो आप इसको बेशक ऐसे एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेक्शन बी को, ठीक है। सेक्शन बी है हमारे पास, देयर आर टू मेन रीजंस व्हाई लैंग्वेज चेंजेस, दो रीजंस हैं जी जो लैंग्वेज चेंज हुई है, ठीक है जी। कौन कौन सी हैं ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, हाउ वी रिलेट टू ईच अदर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, लैंग्वेज जो डिफरेंट ग्रुप्स की बात करता है, डिफरेंट जनरेशन टू रिफ्लेक्ट देयर ओन सेंस ऑफ सेल्फ, इट ऑल्सो नीड्स टू कॉन्स्टेंटली असिमिलेट फ्रेश कॉन्सेप्ट एज दे दिस इवॉल्व, ये फ्रेश कॉन्सेप्ट जो है वो भी लाता है जैसे जैसे जी आगे को बढ़ते हैं। वर्ड्स आर बींग क्रिएटेड फॉर दीज रीजन्स ऑल द टाइम, इन मकासद के लिए अल्फाज जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट इमोजीज इज दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस एवर एक्सपेंडिंग स्टोर हाउस इन अ डिफरेंट वे, कि ये जो अल्फाज का स्टोर हाउस है ना जी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस एवर एक्सपेंडिंग स्टोर हाउस, तो इसके स्टोर हाउस को इसने बढ़ाने में काफी काम किया है डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीकों से। एट दिस पॉइंट इन आवर हिस्ट्री द गैप्स इन आवर वोकैबुलरी, अगर हमारी वोकैबुलरी में या वर्ड्स में गैप है ना जी, आर बीइंग फिल्ड नॉट सिंपली बाय न्यू वर्ड्स, उसको सिर्फ न्यू वर्ड से ही गैप नहीं किया जा सकता, बट बाय एब्सोल्युटली न्यू सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन, बल्कि न्यू सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जैसे इमोजीज हैं, जेस्चर्स हैं, उनके साथ भी इस गैप को फिल किया जा सकता है। यहां पे देखें वोकैबुलरी की भी बात हो रही है, न्यू एक्सप्रेशंस की भी बात हो रही है, इमोजीज की भी बात हो रही है, यहां पे वर्ड्स की भी बात हो रही है, ठीक है, तो साथ इमोजीज की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमने अभी जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे वाई री शॉर्ट लाइफ नहीं, हाउ वर्ड्स, ये देखिए हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज दोनों है ना जी, बोथ फिलफिल न्यू नीड्स ऑफ सोसाइटी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आ रही है, हम मैंने आपको अभी पढ़ के भी सुनाया है सारे का सारा, तो ये इसके सामने तीन आएगा कि कैसे वर्ड और इमोजीज दोनों जो है वो सोसाइटी की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही चीज है, ये देख लें। Created for these reasons, but what's interesting about emojis is that they have contributed to the ever-expanding storehouse in different way. इसने भी जो स्टोर हाउस है ऑलरेडी जो पहले ही बढ़ रहा है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है, फिर इस तारीख के इस मुकाम पर जो गैप है ना, द गैप्स इन आर वोकैबुलरी आर बीइंग फिल्ड नॉट सिंपली बाय न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड से गैप नहीं किया जा रहा बट बाय एन एब्सोल्यूट न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम से किया जा रहा है, तो आप देख लें सोसाइटी में जो नए वर्ड्स हैं वो तकमील कर रहे हैं किससे, हरूफ और इमोजी से। नेक्स्ट हमारे पास सी, तो सी को हम अब गो थ्रू करेंगे जी, सी को ये हमारे पास है, सी ऑप्शन है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि सी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, द सेकंड मेजर रीजन दैट लैंग्वेज चेंजेस इज डाउन टू टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, स्पेसिफिकली द वेज इन विच द टेक्नोलॉजीज वी यूज हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ, जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है इमोजीज का या टेक्नोलॉजी का उस पर असर हुआ है, बोथ हार्डवेयर एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन अ सटल चेंजिंग, हार्डवेयर हो या दूसरी टेक्नोलॉजी उसका नतीजा ये निकला है कि काफी चेंजिंग हुई है द वे वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, उस चीज में कि हम कम्युनिकेशन कैसे लोगों से करते हैं, एंड ऑल्टरिंग द शेप ऑफ द लैंग्वेज वी यूज, और हम कैसे उस जबान की शक्ल को तब्दील कर देते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पे, ठीक है, ये देखें इमोजीज हैव इवॉल्व्ड एज सॉल्यूशन टू द नीड्स मोबाइल कम्युनिकेशन, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इमोजीज जो हैं वो इवॉल्व किए गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, इन पर्टिकुलर दे कंपनसेट फॉर द वे ऑल कंप्यूटर मीडिएटेड मैसेजिंग ऑन स्मार्टफोन कैन समटाइम्स टेंड टूवर्ड्स द इमोशनली एम्प्टी, कुछ जो कंप्यूटर मीडिएटेड मैसेजिंग होती है ना कंप्यूटर वगैरह से, ठीक है ना जी, उसमें जो आपके मैसेजेस होते हैं वो इमोशनली एम्प्टी होते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते, ठीक है, ये याद रखिएगा, इमोशन वेयर एज फेस टू फेस और इवन वॉइस टू वॉइस कन्वर्सेशन कैन एक्सप्रेस इमोशनली क्लोजनेस, यहाँ पे इमोशंस का काफी जिक्र है, अगर फेस टू फेस मिलते हैं या आवाज टू आवाज तो उसमें भी आप इमोशन का इजहार कर सकते हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस, मिलकर या आवाज से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज ईजी टू मिस वेन मैसेज आर रेंडर्ड अ फ्यू शॉर्ट वर्ड्स इन अ स्मॉल स्क्रीन,
इमोजीज आर अ मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग दिस इमोशनल फ्रेमिंग. हाँ जी, इमोजीज का मतलब है कि वो बहाल करती है कि वो जो जज्बाती फ्रेमिंग है ना जी, इंटरेक्शंस की, मिलाप की, उसको ये बहाल करती है. पंक्चुएटिंग योर मैसेज विद स्माइल, और आपके जो मैसेजेस हैं उसको स्माइल का इमोजी जो है वो इसको मजीद बेहतर बना देता है. तो हम देखते हैं जी यहाँ पे, अगर आप सिंपली, मैंने मेरी नज़र पड़ी है तो ये देख लें, द वैल्यू ऑफ इमोजीज फॉर मेकिंग फीलिंग्स क्लियर. हाँ जी, है ना, फीलिंग्स क्लियर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फीलिंग्स की, इमोशंस की बात हुई है, हुई है ना जी. तो फिर आप सिंपली ये देखें, और कहीं क्यों जाना है, ये भी हम इसको भी ऐसे करते हैं, ये इसको भी ऐसे करते हैं. ठीक है जी, ये इसको, ये एट है, इसको काटा है, इसको एलिमिनेट किया है. ठीक है, ये तीन हो गए. अब हम जाते हैं जी चौथे की तरफ, डी सेक्शन की तरफ हम जाएंगे, तो डी सेक्शन को गो थ्रू करेंगे. डी सेक्शन को हमने पहले ही गो थ्रू किया था, लेकिन हम दोबारा से करेंगे. बट अनलाइक ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, इमोजीज हैव समथिंग अकेन टू बिल्ट इन एब्सोलेसिंग एब्सोलेसेंस. अब देखना यह है कि वो कहता है कि ये जो लैंग्वेज सिस्टम है ना, उस जैसा नहीं है, उसके बरक्स नहीं है. इमोजीज हैव समथिंग अकेन, ये भी वो चीज़ है, अकेन इसमें शामिल है या जैसा है, बिल्ट इन एब्सोलेसेंस, कि इसमें भी वर्ड्स जो हैं वो एब्सोलीट हो जाते हैं, तर्क हो जाते हैं, इनको अपडेट किया जाता है, ये आउटडेटेड हो जाते हैं. जस्ट एज स्मार्टफोन एंड देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ फ्रीक्वेंट रिफ्रेश रेट, इमोजीज ऑल्सो गेट ऑनलाइन इन्हेंसमेंट. जैसे कि स्मार्टफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिफ्रेश किया जाता है, इसी तरह इमोजीज जो है उसको भी रूटीन में इन्हेंस किया जाता है. द इमोजीज यू हैव ऑन योर फोन नाउ विल अंडरगो सटल रीडिजाइन, आपके मोबाइल में जो होते हैं उनको रीडिजाइन किया जाता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड एक्स्ट्रा करेक्टर्स भी इसमें डाले जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दिस यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड. तो देखते हैं जी हम यहाँ पे इसको भी हम गो थ्रू करते हैं जी. ठीक है जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि Why emojis have short, इसी ये देख लें, पहला ही हमें नजर आ रहा है कि why emojis have a short life. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि short life है, क्यों short life है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं short life है, ये इसके बरक्स emojis जो हैं वो उनको refresh किया जाता है. ये देखें, something akin to built in obsolescence, ये आर्काइक हो जाते हैं, ये ऑब्सलीट हो जाते हैं. ऑब्सलीट से मुराद है ये मतरूक हो जाते हैं, आर्काइक, ये माजी की डायरी में चले जाते हैं. ठीक है जी, ये उसके मुतरादफ हैं. ठीक है, तो फिर दूसरी चीज, जस्ट एस जैसे ही स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको भी रिफ्रेश किया जाता है. ठीक है जी, इनकी लाइफ यानी छोटी होती है, फिर इनको इनको रूटीन में इन्हेंस किया जाता है. दिस इमोजीज हैव ऑन योर फोन विल अंडरगो सटल, इनको रीडिजाइन किया जाता है क्योंकि इनकी शॉर्ट होते हैं ये. ठीक है, और ये क्या है, यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड, और ये इनकी जो यूजफुलनेस होती है वो भी आर्टिफिशियल होती है. देखें, व्हाई इमोजीज हैव शॉर्ट लाइफ, इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, तो इनको क्या किया जाता है जी, हम ये ले लें वन है, इसको अगर थोड़ा सा पढ़ना है तो फिर और देख लें. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम दिस इज समथिंग दैट्स नेवर प्रीवियसली बिन द केस. 20 years अगो पीपल माइट हैव bought a new landline phone when they were tired of the design of their phone. अगर वो अपने पुराने फोन्स के डिज़ाइन से तंग आ जाते थे तो वो नया ले लेते थे. और इफ़ दे वॉन्टेड टू गेट वन विद वट एवर लेटेस्ट इनोवेशन वॉज गोइंग ऑन अराउंड, और अगर वो नया इनोवेशन वाला ले लेते थे, एन इन बिल्ट आंसरिंग मशीन, जो इन बिल्ट आंसरिंग मशीन वाला हो से, बट दे डिडेंट हैव टू अपग्रेड द लैंग्वेज दे वर यूजिंग एज वेल. तो उनके पास वो उसमें आप लैंग्वेज को अपग्रेड नहीं कर सकते थे. ठीक है ना जी, जो वो यूज़ कर रहे होते थे, तो इसलिए ये वो कहता है कि ये इनकी शॉर्ट लाइफ. इमोजीज ऑन द अदर हैंड आर अ केस स्टडी ऑफ आवर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपेसिटी फॉर कम्युनिकेशन आर वर्किंग टुगेदर. यहाँ पे जी केस स्टडी हो रही है टेक्नोलॉजी की और ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन की, जो इकट्ठे काम कर रहे हैं. ऑफ हाउ द ऑनवर्ड मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म innovation and design. Moreover, the fact that they are at the front line of the relentless wave of technological driven change. इनमें technologically driven change भी आता है, communication practices encourages होती हैं. If not necessities, a great amount of creativity in
द, तो आप देख सकते हैं वो जो मैंने पढ़ा है उसमें ही सारे का सारा आ रहा है। तो हमारे पास अब ई ऑप्शन है, जो ई को हम गो थ्रू करेंगे, ये वाला, ठीक है जी। ए हो गया है हमारे पास, तो ये है। अब हमारे पास ई सेक्शन है, तो ई को हम अच्छी तरह से ज़रा गो थ्रू करेंगे, ठीक है जी। ये है, फाइनली देयर इज वे दे हैव बिकम इम्प्लीकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब ये जी राइज हो चुके हैं तकरीबन जदीद मुआशरे के हर हिस्से में, हर पहलू में, पॉलिटिक्स में भी, मार्केटिंग में भी, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में भी। इमोजीज आर द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिकल एंड हॉलीवुड फिल्म्स। अब इमोजीज ही उनवान है हॉलीवुड के म्यूजिक का और उनकी फिल्मों का। दे आर द इंस्पिरेशन फॉर, ये फैशन के लिए, डिज़ाइन, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए इंस्पिरेशन है। ये देखें कितना कुछ लिखा है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे, देखें, ये देख लें पाँचवा, द यूज़ ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड वट मीन्स फॉर अस। जी डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, ये देख लें, हमने जितना भी पढ़ा है कहीं पे भी किसी फील्ड का जिक्र नहीं है। तो यहाँ इमोजीज आर द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिकल एंड हॉलीवुड फिल्म्स। फिर इम्प्लीकेटेड कहाँ पे हुए हैं ये, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में भी, मार्केटिंग में भी, आर्ट में भी, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही है, इसको देख लें, व्हाट दिस मीन्स फॉर अस, इसका हमारे लिए क्या मतलब है, ठीक है। तो हम ये ई है, ठीक है, तो यही काफ़ी है। अब आगे यहाँ से आपने पढ़ के मुझे बताना है, मैसेज करके बताना है कि जी ये आगे ये हाफ जो है, ये हाफ जो है वो उसके साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी, ज़रूर पता चला होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो हैं मेरे दोस्त भाई या देखने वाले जो हैं वो अच्छी तरह से इनको समझ सकें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है, इनकी ट्रांसलेशन होती है, तो इसकी सेंस को क्लियर किया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से अपीयर हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। कुछ मसरूफियात की वजह से, कोई जॉब्स की वजह से मुसलसल अपने वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकता, तो नहीं की जा रही। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फिर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, और रीडिंग के तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और लिसनिंग के लिए ज़रूर वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।